अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज असलम, लाइफ ग्रीन है, नादिया खान साथ हैं। क्या बात है। और लाइव ग्रीन है कि ये एक ट्रेंड सेटिंग जो है, ये ट्रांसमिशन है, रमजान की ट्रांसमिशन तो आप देखते रहे होंगे बहुत सारे चैनल्स में। लेकिन जिस तरह ग्रीन ने ड्रामों में नए ट्रेंड सेट किए और वो जो एक होता ना कि टिपिकल से सास बहू वाले ड्रामे, वो छोड़ के बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग ड्रामास आपको दिए और एक डिफरेंट थीम के साथ, जैसे काबली पुलाव, जीवन नगर, सो मेनी मोर, अखाड़ा माय वेरी फेवरेट, पना वो भी था एक, वो और जिंदो, पना आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या है, हर रोज याद दिलाता हूँ। हाँ जी, फना भी, मेरा ड्रामा इग्नोर कर जाता है। हाँ जी, फना चल रहा है आजकल, सुपरस्टार एजाज असलम का ड्रामा आप ग्रीन पे देख रहे हैं, फना नहीं देख रहे? देख रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे मैं देख रही हूँ, आप देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो इससे के साथ साथ हमारा ये शो भी सब देख रहे हैं, क्योंकि दिस इज डिफरेंट इस टाइम, ऐसा शो इतनी एनर्जी वाला कहीं और नहीं चलता, तो इसलिए आप लोग देखते रहे। ये मुझे लग रहा है कि अगले साल लॉजिक क्या थी, अगले साल हमें सब कॉपी करेंगे एजाज असलम। और याद रखिएगा, पायनियर थे मैं और असफर, और मैं क्या, और बाबर जावेद, और ग्रीन टीवी, और मैं ब्रोस चिकन था बीच, और कौन था, और कौन, हाँ कौन नहीं, एंड दी एजाज। तो बस कोशिश ये थी कि क्या हुआ, क्या मुझे रोजा लग रहा है, खुद ही आपने किसी को देखा है बैठे बैठे स्लिप होना? भाई कोशिश हमारी ये थी, हमने जो सोचा था कि हम थोड़ा सा लोगों का जो लास्ट आवर होता है रोजे का, एक डेढ़ घंटा, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है गुजारना, तो कुछ इस तरह की हल्की फुल्की बातें करें, और कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो हमारे गेस्ट हमारे साथ आते हैं उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करें, जो बातें उन्होंने शायद पहले ना की हों, उस तरह की बातें करें ताकि कुछ सीखने को मिले। सो इसी तरह की हम बातें करते हैं, और नादिया तो जब बात खुलवाने पे आती है, निकलवाने पे, तो बस फिर तो सब ऊपर से नीचे। मैं आपको बताऊं, आज के जो मेहमान आ रहे हैं उनकी खास बात यह है कि उन्होंने कोई 50 साल पहले मेरा मर्डर किया था। क्या, किस तरह? देखा, खामोशी छा गई, लोग एकदम नहीं, अभी नहीं बताना, और नहीं बताओ, अभी नहीं बताओ हम किसको बुला रहे हैं। और उसके बाद मैंने भूत बन के उनका पीछा किया और बदला लिया। नादिया मुझे ये बताओ, तुम्हारे दोस्त कितने हैं, और किस, तुम दोस्ती, लोग तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, या होता है ना बाज़ दफा कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं कि लोग कम दोस्त होते हैं उनके, लेकिन मुझे लगता है तुम जहाँ बैठती हो 10 दोस्त बना लेते हो। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। और तुम्हारे ऐसे भी दोस्त हैं जिनसे आगे लोग दोस्ती नहीं करना चाहते, किस किस्म के दोस्तों को करीब रखते हो? जो लोग जो कहते हैं ना कि मैं इनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं उनसे कभी मिली भी नहीं। अच्छा, मेरे ऐसे भी बहुत सारे, ये ऐसा होता है। अरे मेरी इतनी सहेलियां, अरे नादिया तो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, हम तो साथ पले बड़े, हम तो उसके घर जाते थे, ये वो, और मुझे पता ही नहीं, मैं नाम भी नहीं जानती, मैंने कभी मिली भी नहीं, ऐसे भी मेरी बहुत सारी दोस्त हैं। तो तुम्हारी जो दोस्तें हैं, वो बेस्ट फ्रेंड्स जो तुम्हारी हैं, जिनको तुम समझती हो, वो किस टाइप के लोग होते हैं जो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं? क्या ऐसी क्वालिटी होती है तुम देखती हो कि यार, इंसान कई दफा देखता है ना कि यार ये दिल का बड़ा अच्छा है, ये बहुत सिंसियर है ये, लेकिन बड़े वक्त के साथ पता लगता है कि आपका दोस्त आपके साथ सिंसियर है या सिर्फ ऐसी ही दोस्ती है। आई थिंक जो बचपन के वाकई फ्रेंड्स होते हैं, जिनके साथ आप साथ बड़े होते हैं, जिनको आपके हालात का पता होता है, जिनके लिए आप कभी स्टार नहीं होते, वो आज भी मैं फोन करती हूँ तो पहले तो एक सुनाते हैं ना, कोई एक वर्ड होता है, समझ रहे हैं आप, कुछ ऐसा बोला जो कि सिर्फ दोस्ती बोल सकती है और आपको बुरा नहीं लगता। बेइज्जती करती हैं, फिर उसके बाद बात करती हैं, उसके बाद तारीफ तो कभी नहीं करती, और हंसाते हैं हम एक दूसरे को, और बड़ा मजा आता है। तो वो ही टाइम होता है कि आप पुराने, तो मुझे तो बहुत मजा आता है अपने में पुराने दोस्तों के साथ अगर कोई दिन गुजार लूँ या कुछ घंटे गुजार लूँ, तो वो सब फिर हम वही पुरानी बातें लेके बैठते हैं कि जो हमारी एक मेमोरी साथ हैं, उसको डिस्कस करते हैं, अरे ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ऐसा घंटों गुजर जाते हैं, पता नहीं लगता। अच्छा मुझे पता है, मुझे लगता है बेस्ट फ्रेंड आपकी वो होती है लड़कियों में जो आपके बच्चे संभाल ले, ईमान से कहीं जाना, और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं अपनी बच्चे उसके पास छोड़ के चली जाऊँ, और मेरी एक भी ऐसी दोस्त नहीं नहीं है, नहीं कहती तौबा करो हमने नहीं रखने बच्चे, तो इसलिए इस तरह से तो मेरी बेस्ट फ्रेंड कुछ कोई नहीं। दोस्त ऐसे भी तो होते हैं जो आपको हर दफा जब भी मिलने आते हैं कोई प्रॉब्लम ही लेकर आ रहे होते हैं आपके पास, और आप फिर एक पॉइंट पे तंग आ जाते हैं कि हर वक्त वो अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन। हाँ, कुछ दोस्त होते हैं जो आपका खून पीने आते हैं ईमान से, और बाकी ऐसे हैं तुम्हारे दोस्त पी के ही जाते हैं, और खुद दे फील गुड, और आप ऐसे हो जाते हैं, प्लीज हम उनसे दूर रहें। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करती हो, तुम्हारी तो बहुत मिलना जुलना है। मैं बता, अब तो मैं उनको काट ही देती हूँ बाद में मिलेंगे अवॉइड में करती हूँ, लेकिन कुछ हैं लोग जिनको, जिस तरह जो मच्छर ने काटा अभी बड़ा बुरा, तो तुम्हारा रोजा टूट जाएगा,
मच्छर का रोजा? मच्छर का नहीं है, काटने दो। आए हाय, तो मर जाएगा वो, बहुत बुरा काट रहे। एनीवेज तो ये जिस तरह के दोस्त होते हैं ना, जो आपको नेगेटिव फील कराते हैं, जो जब चले जाते हैं तो आपको दुनिया जिंदगी बुरी लगने लगती है। और कुछ दोस्त ऐसे, मुझे बुराइयां करने वाले भी लोग नहीं पसंद। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनका पता चलता है आपको बहुत देर में, वक्त के साथ, कि वो आपके साथ कितने सिंसियर थे, और आपको उस वक्त पता लगता है जब आपको जरूरत पड़ती है। मेरे साथ ऐसा बहुत दफा हुआ। सही बात है, बहुत दफा के आपको होता है कि यार एक दोस्त है बस, चल जैसे बाकी आपके दोस्त हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो वो सबसे पहले आपके सामने आता है वो शख्स, और आपको फिर उसका पता लगता है कि मैंने तो इसको सही से पहचाना है। अच्छा, और कुछ लोगों की पहचान भी हो जाती है मुश्किल वक्त। बिल्कुल। सो ये दोस्त आपकी जिंदगी में बहुत बनते हैं, लेकिन कनेक्शन जो है ना, सही ट्रू कनेक्शन वो दो चार लोगों से ही होता है। मैंने ये देखा कई बात, आई थिंक मर्दों के लिए बेस्ट दोस्त वो होते हैं जो बुरे वक्त में आपको आपकी फाइनेंशियल हेल्प कर दें, और औरतों के लिए बेस्ट फ्रेंड्स वो होते हैं जो बिजी टाइम पे आपके बच्चे संभाल लें ताकि आप शॉपिंग कराएं, या ये कि जो आप जब आप भरे में हो ना, आपको गुस्सा चढ़ा हुआ हो किसी पे भी, माँ पे, सास पे, बच्चों पे, तो आप आए बोल रहे हैं, वो सुन ले और वो ठंडा कर दे। हाँ तुम सही कह रही हो, हाँ तुम सही कह रहे हो, कि दिल में उसको पता होता है कि खुद पागल है लेकिन फिर भी सुन ले। और ट्रैवल करते हुए बहुत सारे दोस्तों का या लोगों का अगर जो सही पहचान होती है वो ट्रैवलिंग के वक्त होती है। अपने आप दोस्तों के साथ ट्रैवल करते हैं तो पता लगता है कि उसकी मतलब असल नेचर क्या है, कि कितना प्रॉब्लमेटिक है, कितना इरिटेटिंग है या कितना अकोमोडेटिंग है। सो ट्रैवल जो है ना आपको बहुत बहुत जैसे मेरी दोस्त उस दिन रो रही पुरानी, यार मेरा मियाँ उसने मेरी ज़िंदगी अजाब की हुई, इतना मेरा हाथ तंग है, मैं इतनी परेशान हूँ, तुम सोचो सिर्फ मुझे 4 लाख देता है किचन के लिए हर महीने, लानत ऐसी ज़िंदगी से। मैं फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नादी अब तुमने लेक्चर नहीं देने यार, अब सब समझदार हो गए हैं, सबको पता है। मैं क्या कहा, क्या कुछ तो तुमने कहा होगा ऐसा, मुझे 4 लाख किचन के दे रहे महीने की तरह, तो मेरा बजट नहीं है। तो मैंने कहा ये, और लोग भी इतने नहीं है, मैंने कहा 4 लाख, सिर्फ 4 लाख, बहुत बुरी बात है, भाई से बात करनी पड़ेगी, कोई तरीका है? हाँ देखो, मैंने उससे कहा कि मेरे अकाउंट में ही तुमको 1-2 करोड़ डाल दो कि मुझे भी रात को आराम से नींद आए। यार यहाँ बात तो सही कर रही है। अब मैं दिल में सोचू ये कौन है बंदी यार, ये क्या चाह रही है, इतनी आपकी हाई एक्सपेक्टेशन। ये वो लोग होते हैं, मैं आपको बताऊं, जो जिंदगी से कभी खुश रह ही नहीं सकते। हाँ। कुछ भी हो जाए, 4 लाख आए उसके, 2 मैंने कहा तुम्हारे 2 करोड़ भी आ जाए फिर उसके बाद क्या होगा। हाँ, फिर वो कहेगी यार 2 तो कम है, 4 होने। ये कुछ लोग रोते रहते हैं, ये अच्छे दोस्त नहीं होते, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, पता है लड़की, मुझे ये लगता है कि लड़कों की ना दोस्ती चलती है, ये लोग जल्दी जल्दी लड़ाइयाँ नहीं होती लड़कों में। हाँ, बिल्कुल सपोर्ट। और ये कि मजाक कर दिया, कुछ ये कर दिया, लड़कों में बहुत रेयर होता है कि नाराजगी होगी। हाँ, किसी लड़की की वजह से हो जाता है, फड्डा होता है तो वो लड़की की वजह से। और मुझे बहुत बुरे लगते हैं ऐसे लोग कि जो किसी और थर्ड पर्सन की वजह से आप इतनी पुरानी दोस्ती और वो खत्म कर दें। यार तो लड़की भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है, कि नया इंसान आया जिंदगी में तो आप सब इतनी पुरानी चीजें आप भूल गए एक सेकंड में। और ये बताऊं, ये ज्यादा होने लगा जब हम छोटे थे, लड़के दोस्त होते थे, लड़कियां दोस्त होते थे, सीधी बात है। तो हम लोग के ना लड़ाइयां कम होती थी। अब ट्रेंड, आप मॉल्स में जाके देखें, 2 लड़के 2 लड़कियां, बच्चे मिक्स। अब ये क्या करें, माहौल सा ऐसा कुछ बन गया है कि बच्चे बच्चियां दोस्त हैं। आप यकीन करें ज्यादा लड़ाइयां होने लगी हैं, लड़कों में ज्यादा खास तौर पर लड़ाइयां होने लगी हैं, क्योंकि आपस में दोस्त हैं और ऐसी लड़कियां खिचड़ी बनाती हैं उसमें बीच में कि लड़के अच्छे खासे दोस्त खत्म हो जाती है। जान की मैं देखती हूँ लड़ाइयाँ हो रही हैं और इसके पीछे कोई लड़की भी होती है अक्सर एट टाइम्स। तो ये खैर, अब ये वक्त है, ये अच्छा बुरा नहीं कह रहे, बस वक्त लड़कियां जो है वो इस तरह की ये करवा देता है, होता है बच्चियां कुछ जो है ना, वो असल में लड़के लड़कियों के लिए लड़ जाते हैं, उनके अंदर एक आदत है, इनबिल्ट है। लेकिन नादिया, दोस्ती की इम्पोर्टेंस क्या है? बहुत जरूरी है अच्छे दोस्त होना जिंदगी में। तो आप समझती हैं कि दोस्ती और बहुत सारे दोस्त होना, अच्छे दोस्त होना जरूरी है? मुझे तो बहुत लगता है कि थोड़ा इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक तो होते हैं दोस्त, अब दोस्त मेरे बचपन के बहुत दूर है, फ्रेंड से मिल नहीं सकती। एक होते हैं कि जहाँ आप हैं वहाँ अच्छी कंपनी, कोई आपके जिगरी दोस्त नहीं होंगे, गुड कंपनी की आप उनके साथ बैठ के मजा आए, आप एंजॉय करें जरूर, चाहे आप सालों बाद मिले। हाँ, महीने वहीं से कनेक्शन। दो दफा आपके नेबर्स का ग्रुप हो सकता है, आपका किसी और कोई स्कूल मॉम्स का ग्रुप हो सकता है, अब तो व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ, जैसे हमारे शोबिज के कुछ एंकर्स की फ्रेंड्स हैं, सॉरी एंकर्स हैं, मैं भी उस ग्रुप में, इतना मजा आता है और हम आते हैं, एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, ये वो बस चले गए। हमको जिगरी दोस्त नहीं है लेकिन वी हैव फन टुगेदर। तो ऐड करो ना ग्रुप,
इजाज कह रहा है मैं क्यों नहीं हूँ ग्रुप में, मैं तुम्हारे क्रिकेट ग्रुप में हूँ, मुझे तो मसला नहीं है, ऐड कर दे बॉयज ग्रुप में, क्रिकेट का ग्रुप है, मैं हूँ नहीं, मैं इसको डालूं अपने गर्ल्स ग्रुप में, हाल वाला एंकर्स ग्रुप। हाँ अच्छा, आज जो हमारे मेहमान है, मैं आपको बता रही थी 50 साल पहले इन्होंने मेरा मर्डर किया, ये एक ड्रामे में हमने काम किया। उसका नाम क्या था 50 साल पहले? मुझे नाम भी नहीं ड्रामे का याद, वो उन्होंने बनाया था जिन्होंने नागन की सीरीज बनाई थी, नागन वाले नहीं थे कोई ड्रामे हमारे आए थे नागन नगीना, वो स्पेशल इफेक्ट्स में शाह बिलाल, उन्होंने एक टेलीफिल्म बनाई थी जिसमें ये मेरा मर्डर करते हैं, मैं भूत बन के आके ना इनको इनका फिर इनको मारती हूँ। अच्छा, साथ में मेरी हेल्प भी थी दूसरे एक्टर भी थे, तो मेरा भी और, इसी तरह वो नहीं था, भट्टी नहीं होती ईंटों वाली, उधर वो सारी फिल्मिंग हुई थी लाहौर में शदीद गर्मियों में। मेरा भी इनसे ड्रामे के लिहाज से एक ऐसा ही कनेक्शन है, ये जो ड्रामा करते हैं बड़ा मशहूर है उसमें मैं भी भूत बन के आता हूँ। हम दोनों भूत हैं, हम दोनों, तुम भी भूत बन के आई, मैं भी भूत बन के, मैं भी भूत बन के आता हूँ। तो ये आज भूतों से आज डर के भाग जाएंगे दोनों भूत सामने हैं, दो एंकर्स नहीं, दो होस्ट नहीं, दो भूत जो है शो कंडक्ट करेंगे, और हमारे बहुत ही मजे के मेहमान जो सालों से पाकिस्तान को हंसा रहे हैं और एंटरटेन कर रहे हैं, हर बहुत सारे लोगों को सिखा रहे हैं अपनी अदाकारी से, माशाल्लाह जो भी काम करते हैं नेक्स्ट लेवल कॉमेडी कैरेक्टर। लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम रिज्यूम करेंगे तो हमारे साथ बैठे होंगे, तो एक हो जाए हमारे गेस्ट होंगे और दो भूत होंगे, देखते रहिए हमारा ये शो क्योंकि लाइव ग्रीन है। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं हम लाइफ ग्रीन और हमारे साथ हमारे जबरदस्त खूबसूरत एवरग्रीन अदाकार दोस्त यार महमूद असलम साहब। महमूद साहब मुझे आज आप दोनों के घर में आके बड़ी खुशी हुई है, अच्छा लगा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप किया आप दोनों ने। थैंक यू, तो अभी आपको हम थोड़ी देर में आपसे गपशप हो जाए फिर इस तरफ भी ले जाएंगे किचन में, चले भाई तो आप ले जाए इस वर्दी कॉर्नर में ले जाए, कोई मसला नहीं है। anyway, आप कैसे हैं आप दोनों? मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं आपको कैसा लगता है कि जब आप उन लड़कों के पापा बनते हैं जो आपसे सिर्फ 3-4 साल छोटे होते हैं? यार देखे अभी पिछले दिनों मुझे नुमान इजाज के पापा बना रहे थे, इनकार कर देता मैं, नहीं भाई इनकार कर दिया। हाँ हाँ, मैंने कहा वो तो ऑलमोस्ट मेरे जितना है यार, उसको मेरा बेटा बना रहे हैं नुमान इजाज के पापा। यार यार कैसी बात है नादिया, या प्लीज स्टैंड ले। एक महमूद साहब एक ट्रेंड चला है, मैं भी अक्सर कोई मुझे अभी रोल ऑफर होता है तो वो भाई तो मैं बन सकता हूँ, लेकिन वो कहते नहीं आपका तो बनता है, आप तो माशाल्लाह पापा लगता है, मेरा तो अभी नहीं बनता ना यार। नहीं सही कह रहे हैं, मैं वो रोल ले लेता हूँ, इजाज़ पे सूट कर जाता है भाई आप माशाल्लाह। अभी अभी क्या कह रहे थे, मैं तो बड़ा एक्टर, मैं तो तुम्हारा अब्बा भी बन जाऊं ड्रामे पे, एक भूल गए क्या रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर पहले क्या कहते नादिया, मैं तो मुझे रोल तुम्हारा अब्बा भी बन जाऊं कैरेक्टर, और अब बनेगा ऐसा ड्रामा इंशाल्लाह इजाज़त से मेरे पापा काम के लिए, तो ये कुछ भी रोल अच्छा। मेरे कुछ असूल है महमूद साहब, मेरे असूल है बड़े बच्चों की मानी बनूंगी, बहुत बड़े बच्चे जो मतलब मेरे आसपास की उम्र के हों, बहुत अच्छा। आप ना कर देते हैं, इसके अलावा कोई ऐसी और फनी ऑफर? ऑफर्स तो बहुत सी मिलती है मुझे, बहुत से सिटकॉम की मिली ऑफर, लेकिन वो जब तक एक मेरा वो चल रहा है पता नहीं, अब मैंने सिग्नेचर है लेना, बिल्कुल ले सकता हूँ, तो जब तक मेरा बुलबुले चल रहा है तो तब तक मैं कोई और सिटकॉम मैंने मना किया। ये आपका बड़ा अच्छा डिसीजन, आपने मना किया या ये चैनल नहीं, मुझे ऑफर्स आती, अब तो खैर चैनल्स पे आ ही नहीं रहा ना लाइट, कोई चीज आप देखिए किसी चैनल पे सवाए बुलबुले के, हाँ तो किसी चैनल पे कुछ है ही नहीं है बुलबुले, पाबंदी लग गई है कि आपने हंसाना नहीं है लोगों को, रुलाएं डराएं भगाएं लेकिन आपने हंसाना नहीं। अच्छा नादिया इसमें एक चीज और भी है, महमूद साहब शायद मुझसे एग्री करें कि जो हमारे बहुत सारे यंग एक्टर्स हैं वो करना भी नहीं चाहते कॉमेडी, somehow I don't know why, मेरी जान बहुत कम लोग हैं, उसका रीजन ये है कि टाइमिंग नहीं है कॉमेडी के लिए, यू नीड टाइमिंग। अब देखिए ना यंग एक्टर तो करना चाह रहे हैं, हाँ ना, तो देखो ना यंग जोड़ी कितनी अच्छी लगे, कितने यंग लोग, हम हीरोइन किसने कहा कि यंग लोग नहीं करना चाह रहे, लेकिन जो बिग लोग हैं वो नहीं ड्रामा बना रहे, पूरी दुनिया में 40s के बाद हीरो हीरोइंस बनते हैं यार, एग्जैक्टली मतलब यार हमारे ना
छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं बहुत से बेचारे, मुझे समटाइम अफसोस होता है, मैं उनकी शक्ल देखता हूँ, वो सतमाए बच्चे लगते हैं अल्लाह की कसम पे, बेचारियों को ना खड़े होने का तरीका है ना कुछ है, लेकिन वो ये है कि हमने छोटी छोटी बच्चियों को ना उनको हमने हीरो हीरोइन बना दी। इधर से मैं लेके जाऊँगा बात उस सोशल मीडिया की तरफ, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। जी बिल्कुल आया। और आपको लगता है कि उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग आए, आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए। देखिए ये अजल से देख लेना, हर डेकेड में आप देखें, हर 10 साल के बाद कोई ना कोई नई चीज आता है, नई चीज आती है। मतलब जब हम बच्चे थे तो हम लोग जब आए तो नई नई चीजें आई, तो वो हमारे लिए डिफरेंट था थोड़ा सा, आना चाहिए मैं ये नहीं कहता, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि इन बच्चों को मतलब रेंडम उठा के कि उसके चूंकि वो फॉलोअर्स ज्यादा हैं, उसका ये ज्यादा है, वो मार्केट में हिट है, उसको उठा के, अब जो काम नहीं आता, एक्टिंग हर एक किसी का काम तो नहीं है ना, मेरी ख्याल एक्टर वो है जो ये गॉड गिफ्टेड है मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल, ये अगर आपको अंदर नहीं लगी होगी इजाज़त तो ये आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप पॉलिश होते हैं जब हम काम करते हैं। जिसका मैं मिसाल ये दिया करता हूँ कि एक डायमंड है ना, तो जब वो रॉ फॉर्म में निकलता है ना, तो उसको जब तराशा जाता है, उसको पॉलिश की जाती है, फिर उसकी प्राइस बनती है। लेकिन अगर आप कोयले को या किसी और पत्थर को उन मशीनों पे तराशेंगे जो डायमंड की हैं, तो वो डायमंड नहीं बनेगा। अच्छा देखिए, जब आप कह रहे हैं पैदाइशी एक्टर हैं जैसे मेरे जैसे लोग, तो मुझे तो 90s में सोसाइटी को मेरी समझ ही नहीं आती थी, स्कूल में कजन्स में सबको लगता था मैं नॉर्मल नहीं, अपने आप से बातें कर रही है, अजीब अजीब एक्सप्रेशन बदल रही है, नॉर्मल बात नहीं करती है, क्या मसला, डॉक्टर को भी दिखाया, पीर साहब को भी दिखाया, कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं, तो उनको नहीं, दो फूका मरवा लेनी है, नॉर्मल बात करो। हाँ मतलब मुझे आई वाज कंसीडर्ड, वो तो मसला था ना कि मतलब टिक्की नहीं बैठती है, हाथ हिला के बात करती है, ऊंचा हंसती एक्सप्रेशन देती है, मेरे लिए ये नॉर्मल था, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती थी। आप भी जब ऐसे आप जिस टाइम पे बड़े हो रहे थे तो आपको भी होता था कि लोग समझ नहीं पाते थे, कुछ थे आप में अंदर डिफरेंट एक्टर वाले, वर यू डिफरेंट देन अदर्स, बाकी बच्चों से आप डिफरेंट? ऐसा कोई ऐसी उस वक्त तो चीज नहीं मुझे उस वक्त मैंने डिस्कवर की अपने अंदर खुद से, मैं बहुत शाय सा एक बच्चा होता था। अच्छा अच्छा, वो टाइप है। मैं वो टाइप का था। हाँ। कि मतलब मामू के घर भी गया हूँ तो वो अब मिनते कर रहे हैं कि 3 घंटे हो गए तो आया हुआ है, बच्चों खेल रहा है, कुछ खा लो बेटा, तो मैं शायनेस इतनी थी कि मैं खाता नहीं था किसी के घर से। हाँ। जो एक दफा उन्होंने शिकायत भी की मेरी माँ को, अच्छा आपका बेटा वो मामे साढ़े वाल आता खाँदा कुछ नहीं है। तो वो फिर बेसिकली मेरा ना, मुझे खुद नहीं था पता कि मेरे अंदर है टैलेंट। हुआ ये कि जब मतलब ये मैं सबको बताता हूँ कि एक ज़माने में जब इलेक्शन हुआ करते थे ना हमारे बचपन में, तो पीटी भी होता था। हाँ। और वो सारी रात वो रिजल्ट्स आते थे और इन बिटवीन कितना मजा आता था, क्या अब तो डिप्रेशन होती है, क्या उससे ट्रांसमिशन होती थी, और रजाइयां गद्दे लेके और खाना भी वही चल रहा है और सारी सारी रात आंखें नहीं खुल रही, फिर उठ के कोई प्रोग्राम चला, फिर हम उठ के बैठ प्रोग्राम देखना होता था। तो उस जमाने में ट्रेन स्टेशन के वेटिंग एरिया में क्या ड्रामे होते हैं ना, मोइन अख्तर साहब वन मैन शो किया करते थे, मैं उनकी कुछ चीजें ना ऐसे ही, वो था शायद मेरे अंदर, तो मैं उन्हें कॉपी किया करता था, मुझे वो रट गई, याद हो गई कि उसकी नकल कैसे उतारते हैं, उसकी कैसे उतारते हैं, तो मैंने ना वो मैं उनको कॉपी करना शुरू हुआ घर में। कब की बात है मामू सर? अब इतना पीछे ना जा, नहीं मुझे तो कल की बात लग यार, ये कोई होगी कोई 50-52 साल पहले की बात है, ईयर पूछ। अच्छा ये आप सन पूछ रहे हैं, 80s मुझे लग रहा है, ये तकरीबन 80s की बात है। उस वक्त मैं जेडी साहब से ट्रेनिंग ले रही थी, मैं जेडी को फॉलो करती थी। अच्छा, तो वो मैंने उनको कॉपी करना शुरू कर दिया, फिर मैं कॉलेज जाता जब जाने लगा तो वहां पे तो वो मेरा मशहूर हो गया फैमिली में कि मुद्दी शो, वो मुद्दी शो कर अपना, चल मुद्दी वो नकले उतार, कॉपी कर कैसे करता है। तो उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर कुछ है शायद। अरे ये करियर से रिलेटेड तो बहुत बातें होंगी, थोड़ा सा रमजान का अपना बताएं, जैसे आपका उस वक्त रमजान क्या ऐसी चीज होती थी तो अब नहीं है हमारे पास, जो आप मिस करते हैं? यार उस वक्त क्या ना, जो एक्चुअली हम लोग संत लाहौर में संत नगर एक जगह है, वहाँ पे है गनी मोहल्ला, वो जो गनी मोहल्ला था वो मेरे वालिद साहब के चचा के नाम पे था, मैं अराई फैमिली से बिलोंग करता हूँ,
तो हम लोग वहीं शुरू से, मतलब हम माइग्रेट करके नहीं आए थे जब पाकिस्तान बना, मेरे बुजुर्गान जो थे तो हम लोग वहीं के हैं, लाहौर गनी मोहल्ला के। तो वहाँ पे ना उन्होंने गनी मस्जिद बनवाई थी। अच्छा। तो मेरा सारा बचपन रमज़ान जो था वो हम नमाजें और रमज़ान आता था तो वो ढोल वाले आ रहे हैं गलियों में ना, सब एक अजीब माहौल होता था मुझे, बल्कि वो याद है एक एक वो दो भाई आते थे, एक के पास ना वो बड़ी सी एक डफ टाइप कोई चीज़ होती थी, तो वो ना गली में वो गाते गुजरते थे, वो गाते तो नहीं कहना चाहिए, कलाम एक पढ़ते थे वो, तो उसकी आवाज़ अभी भी मुझे ना, मैं आँखें बंद करूँ तो मुझे वो साउंड अभी भी याद आता है। वो था कि पहले हुसैन की तरह सर को झुका नमाज में, पहले हुसैन की तरह। तो ये ना वो सहरी के वक्त ये कलाम पढ़ते हुए तो वो जाते थे, तो वो एक अजीब रौनक, पकौड़े बन रहे हैं और किसी की तरफ से फ्रूट चाट आ रहा है, होता है ना, वो एक माहौल बहुत जबरदस्त होता था। अब कम हो गया है, मतलब है तो अभी भी वहाँ, हो सकता है हो, लेकिन वहाँ अभी भी होगा। हाँ। बिल्कुल सही है, हम चूंकि अब घरों में आ गए, फ्लैट्स में आ गए, तो अब चीजें जरा कम हो गई है, लेकिन मैंने देखा है पुराने मोहल्लों में अभी भी इस तरह की फेस्टिविटीज एक्टिविटीज बिल्कुल होंगी, बिल्कुल है। तो मुझे माशाल्लाह, मैं सिर्फ बताने का मकसद ये था कि चूंकि मस्जिद भी थी तो मेरा सारा बचपन ना वहाँ इन चीज़ों में गुजरा है, तो हमें चूंकि माँ बाप ने तरबियत वो दी रोज़ा रखने की बचपन से, मैं मेरे ख्याल में 7-8 साल 9 साल का था जब से मैं रोज़े रख रहा हूँ, तो माशाल्लाह आज तक वो आदत इतनी बिल्ट हो गई हुई है कि मैं कभी रोज़ा नहीं छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी अल्लाह के, मैं शुगर पेशेंट भी हूँ लेकिन उसके बावजूद मैं ये करवाता हूँ रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी, शूटिंग्स, तो रोज़ा रख के माशाल्लाह। नमू साहब, आपको किसी दोस्त ने धोखा दिया और ऐसा कि आप टूट गए हो? नहीं, कोई ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह, नेवर नेवर, ऐसा सच नहीं। एक एक आप वो जिंदगी में हुआ हुआ है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उस बंदे से। आपके पैसे देने ना जी, पैसे देने, आपके पैसे लेके भाग गया, या कारोबार में आपने किसी दोस्त के नहीं, उन्होंने, उस दोस्त ने कहा जी कि मैं उनके पैसे खा गया हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पैसे खा गया, लेकिन दोस्ती में ये नहीं होता कि आप नेशनल टीवी पे बैठ के और हम एक दूसरे को ओपन करें और नाम नहीं ले रहे, पान पत उतार के जो है वो हम पुरानी बातें होगी। लेकिन लेसन ये कि मतलब किसी को पैसे नहीं देने चाहिए ऐसे। कोई गल नहीं, पैसे मैं माफ कर देना ना, इससे एक दो और कोई बहुत कम मेरी जिंदगी में ना, दोस्ती में बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैं एक्चुअली किसी दोस्त को ना उसमें डालता भी नहीं हूँ, आजमाइश में या इम्तिहान में मैं डालता नहीं। अच्छा, लेकिन मतलब आप आजकल जो आपके कैरेक्टर्स आप कर रहे हो, आपको आपको मजा आ रहा है, आप खुश हैं, आप मुतमईन हैं, आपको फखर महसूस होता है? जहाँ तक इरिटेट होते हैं नहीं, जहाँ तक मेरे कैरेक्टर्स का ताल्लुक है ना, मुझसे वो आम वाला बाप नहीं करवाते फ्रेंकली। वो क्या, मैं शायद थोड़ा सा महंगा एक्टर भी हूँ, तो वो लेते मुझे उन कैरेक्टर्स में है बाप के जिनमें कुछ करने के लिए मतलब कि जरा, मतलब महंगा तो नहीं हूँ, मतलब ये कि जो हमारे साथ और हम भूत बन के इनको डराया, जो नेगेटिव रोल है ना जी, जिसमें जरा चौधरी बौधरी बनना होता है, अग्रेसिव ऑडियो चाहिए होती है जितेज। ये आवाज कहाँ से निकलती है? ये कहाँ से, ये मेरी आवाज है, मेरी पेट से आती है, गले से आती है सर। इसकी आपको मैं मजे की बात बताऊं, डायफ्राम से निकलती है, मतलब डायफ्राम का, आपको पता है मुझे निकलती है ऐसे। रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था जब आई वाज यंग, मैंने स्टार्ट किया था तो मैं रेडियो पे ऑडिशन देने गया था, तो मुझे रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था कि आपकी वॉइस क्वालिटी वो नहीं है इसके लिए, सही नहीं है माइक के लिए। हाँ, सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। ये कैसे ऑफेंड हो गया? मैं कि यार है कि कल हुई। आपने कैसे ऑडिशन दिया? तो उसका आवाज कैसी थी? जरा पतली थी। कैसी थी? मतलब जरा ये ऊपर से बारीक वाली जरा यूं निकलती होगी ना, जरा सही, फिर रिजेक्ट किया ना। उसके बाद मैंने थिएटर किया। अब थिएटर में आपने 500-600 लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होती है, मैंने बकायदा इसकी प्रैक्टिस की थी। हां,
अंदर से ना बोलने, यहाँ देखे दो होते हैं, एक आप यहाँ से बोलती हैं, एक आप अंदर से फेफड़ों से आप बोले। यार भाजन कैसी बातें करे, ये आम अगर मैं बोलता हूँ तो ये यहाँ से बोल रहा हूँ मैं, यार असलम ना कर यार, इस तरह ये क्या ना दिया, क्या हो गया आपको यार, ये क्या कर रहे। और जैसी लेडीज का फोन आता है तो फिर कैसी आवाज होती है, कैसी हैं आप, खैरियत से है, तभी ठीक है आपकी। अच्छा हाँ यार, वो मैं आ नहीं सका, आई एम सो सॉरी, वाइफ थी घर पे, हाँ मैं निकल नहीं पाया, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, ओके बाय। वो फिर तबा लगा दी एंड। आपको पता ये भी रिसर्च के मुताबिक लड़कियां ज्यादा ना आवाज पे मरती हैं। ये मैं ना फैसल से पहले फोन पे एक टेक्स्ट पे बात हुई, फिर फोन पे जब मैंने बात की ना और ने कहा कि मैं एयरपोर्ट में था, खत्म। मैंने आवाज उन्होंने हेलो किया ना, आई वाज लाइक अच्छी आवाज है ना, अब वैसी आवाज नहीं है, लेकिन शादी के बाद आवाज चेंज हो गई। फैसल को पहली वाली आवाज का यही क्या होगा, मां से कहते हैं अच्छा मैंने देखा है, वो तो अपना कॉन्शियस होके बोलते थे, अब वो नॉर्मल बोलते हैं, हां भाई क्या ये वो किधर चीजें पड़ी, हां भाई खाना लगा दो, शुरू में था पहले तो हम उससे फोन में कहते थे हेलो। वो किसी ने कह दिया होगा कि ऑडियो अगर अच्छी नहीं होगी तो आप, वैसे होनी भी चाहिए तो आप बता रहे थे आप घर में ऐसे इसी ऑडियो से बोलते हैं ना, ये मतलब नहीं बहुत बारीक भी नहीं, फिर आप कैसे मैं बात कर रहा हूँ, कैसे नहीं ऐसे नहीं, वो उसमें जाहिर है डायलॉग्स होते हैं ना, तो आपने कुछ परफॉर्म भी करना नहीं नादिया, वो बता रहे थे कि फिर उन्होंने एक्सरसाइजेस क्या की, ताकि हमारे जो एक्सरसाइजेस इसकी बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइजेस होती है, आपको वोकल्स की प्रैक्टिस करनी है अंदर से ना, तो मुझे सांस सांस खींचा आपने पिछले सुर वो एक एक ही उसमें निकालना होता है उस पे, और फिर उल्टे रेट के पेट के बल ये ग्राफ मेंटेन ही रखना होता है ये, और फिर थिएटर में जाहिर है आपको लाउड बोलना होता है, तो शायद मैं और ये सुबह के वक्त प्रैक्टिस की जाती है, तुम्हारी आवाज सुनी बदली फिर तो बदल ड्रामे में बदलती है ना, बदलना नहीं चाह रहा हूं ड्रामे में बदलती है ना, क्यों नहीं अपनी बदली की, तुम्हारी तो पेट से अभी तक नहीं निकल रही है, ये रोशू वाली आवाज अभी तक उसने पेट में हो सकता है कुछ और चीज रखी हो, झूठा इसने कोई प्रैक्टिस नहीं किया, ये देखें जरा बहुत किया, अच्छा वो बोल रहे पता ये रहा, हां ऐसे ऐसे होते हैं, हां ये तो होती है ना, ये क्यों नहीं की है भाई, क्यों नहीं की, तो असर नहीं की इसको, असर नहीं, अभी आज भी इसकी बेबी वॉइस है, तो वो मुझे शुरू में रखनी पड़ती कैरेक्टर आता है, नहीं इसको भी जब तुम्हें फोन आता है लेडीज का फिर कैसी आवाज हो जाती है, मतलब बहुत आते हैं, आई नो, तो किस कैसी आवाज होती है, नॉर्मल बात, नॉर्मल कर कर नॉर्मल, हेलो देखिए उन्हें पता है, अरे यार यार कॉल आ गई, कैसे हैं जी, इजाज़ नहीं नहीं गलत नंबर जी, बाद में फोन, कोई बात नहीं कोई बात, थैंक यू, 12 बजे बस, फिर भी पेट से नहीं निकली, देखिए थोड़ा सा जब आप ऊंचा बोलते हैं तो जरा सी बारीक हो जाती है, जब आप फोन पे आहिस्ता बात करेंगे ना बीवी से चुप के, उसमें ना जरा ऑडियो और तरह से आती है, कैसे कैसे आप कर सकते हैं कि बात खातून से कर रहे हो लेकिन इम्प्रेशन पड़े कि आदमी से बात कर रहे हो, यार ये बड़ा औखा ये टेक्निकल सवाल है, इसका एक्सपीरियंस मेरे तरफ गुगलियां सारी ना डाल, आपका एक्सपीरियंस है, मेरा आप बताते हैं, मैं तो नहीं बता, आप बताएं, आप रियल हैं, ऐसा किया ही नहीं है, मैं ऊपर मैं फिर करना तो मैं फिर 10 देना किरदार हो, मैं कह रही हूं कि कभी होता है ना कि आप नहीं बताना चाह रहे होते कि खातून से बात हो रही है, तो फिर कैसे बात करें लगे कि आदमी से बात हो रही है, अच्छा ये आप ड्रामे में कह रही है, कैसे एक्ट करूंगा, ये डिपेंड करता है रियल लाइफ, क्योंकि रियल लाइफ में तो मैंने कभी ऐसा नहीं, मैं अब आप मेरे साथ फोन पे फिर बात करें, मैं देख रही हूं फोन आया है, हेलो नहीं आप मेरे साथ बात करेंगी ना फोन पे, साइड पे, हेलो जी चौधरी साहब कहां आए आप, हां जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप आए भी नहीं, इतने दिन हो गए ना कोई मैसेज आया ना फोन, जी जी नहीं सर वो मैं आया था जी वो फाइल लेके, लेकिन शायद वो आपकी टेबल तक पहुंची नहीं है, आपको पता ना मेरे पित्ते का ऑपरेशन हुआ और आपने मेरा हाल भी नहीं पूछा, 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रही हूँ, ओहो सर आपने ऑपरेशन करवाया सर, किस चीज का, पित्ते का, ओह नहीं सर इंशाल्लाह मैं आता हूँ जी, मैं 6 अभी क्या टाइम हुआ, मैं सर 6 बजे के करीब आता हूँ जी, सर हॉस्पिटल का नाम बताएंगे मुझे, बस वही वाला कमरा नंबर, हाँ जहाँ लास्ट टाइम आप एडमिट हुए थे वही हूँ जी, मैं जिसमें आपके पित्ते का ऑपरेशन, अभी मैं साथ साथ बीवी को देख रहा था वो सामने बैठ, अच्छा इसको पित्ता क्यों कहते हैं, पित्ता कुछ स्टाइलिश नाम हो सकता था, गॉल ब्लैडर जिसे पित्ता कहते हैं, इधर पता नहीं क्या पपीता पित्ता, आसान कर दिया ना, तो शक्ल ऐसी होती है उर्दू में आके ना ग्लैमर खत्म हो गया बिल्कुल, ये जिसका नाम बदल दो भाई, पंजाबी में क्या कहते हैं,
आपके दोस्त आपको क्या बुलाते हैं प्यार से? मोदी। आई नो, हर जगह हर महमूद महमूद ही होता है, लेकिन नहीं वो नबील या कुछ दोस्त जो मेरे पंजाब से जो है वो भी मुझे प्यार से मुद आ गया। ओए मुदे, या मुदे। अच्छा, ये बचपन से ही नाम आपका निकनेम पड़ गया था मोदी? तकरीबन मोदी पंजाब में वैसे होता है, बोलते हैं महमूद को प्यार से मोदी। वो घर में भी सब मोदी मोदी गाल सुन बेटा ए करके आई जरा वो। और बेगम भी प्यार से क्या बुलाती? हाँ ये अब आपने शुरू, शुक्र है मुन्नू भाई वाला वो वाक्य सुना हुआ है आपने? नहीं, क्या? तो वो दिलदार परवेज भट्टी साहब वाला जनरल एक्सपीरियंस दोनों को, तो वो इंटरव्यू कर रहे थे मुन्नू भाई का, तो बातों बातें करते करते ना, तो कहते हैं मुन्नू भाजन ए दोस्तों के घर भाभी तू किस ना तो पुकार के मुन्नू भाई। हाँ, तो वो भाई, भाई तो कह रहे हो बिल्कुल सही। तो फिर आपको क्या बुलाती है भाभी? मोदी। मोदी? हाँ हाँ मोदी। मोदी बात सुनो यार, और सिंपल महमूद भी कह लेते हैं। हाँ। सेट सूट पे इधर ओए मोदे यार ना, यार ना कर यार मोदे ऐसा ना कर यार। वैसे मुझे जहाँ इनका एक ड्रामा याद है सबा हमीद के साथ, रंग वो दुखों की चादर लॉन्ग प्ले नहीं, मुझे मुझे था ना आई थिंक रंजिश, रंजिश होगा एंट्री थी। मैं कह रही हूँ इसलिए कह रही हूँ कि जो हमारे सीनियर एक्टर्स है ना अब जब ड्रामों में आते हैं कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि ना लाइनों में जान, ना डायरेक्शन में जान, ना सिचुएशन में जान, और स्टूपिड प्लॉट पे बात कर रहे हैं। उसमें ही आए बच्चों की कोई बात हो रही है, बड़े गुस्से से ये बात कर रहे हैं, इतना इम्पैक्ट था उस सीन का। एक लेट 80s या 90s में आपका ड्रामा था बड़ा मशहूर, उसमें बड़ी कास्ट थी, टैज आपका नाम थी, रात रात याद इस्लाम हमजर साहब क्या मशहूर रात सीरियल थी, समंदर दिन दिन उसके बाद था मेरा। कितने अच्छे ड्रामे वक्त वक्त सीरियल में भी। अभी तो हर ड्रामे में कैरेक्टर का नाम, खाला की बेटी का रिश्ता ले जाओ उसके बेटे के लिए, तुम्हारी जो है ना शादी सिर्फ मामू के बेटे से होगी, नहीं मैं फूफू की बेटी से शादी करूंगा, नहीं मैं तो खाला की बेटी से शादी। लगता है कि हमारी शादियां सिर्फ कजन्स में होती है और बच्चे पैदा होते हैं उनके रिश्ते कर देते हैं, और हमारी जिंदगी में और कोई मसला नहीं है ना, हमारा कोई नहीं है, हमारी जिंदगी में मसला ये बच्चों की शादी। बाने में ना इशू बेस बहुत उस जमाने में आप लोगों में वो ये होता था कि यार ये राइटर है जबरदस्त और ये मुझे मिल जाए स्क्रिप्ट पर, इसको ना मिले, एक ही चैनल होता था, अपॉर्चुनिटी भी कम। बाहर खड़े होते थे बताएं? वो प्रोड्यूसर्स के कमरों के बाहर खड़े होते थे हम एक्टर्स जी। हाँ पहले ऐसी कल्चर आए थे तो हम बाहर खड़े होते थे कि यार शायद हमें बुला नजर पड़ जाए, अरे बड़ा खौफनाक टाइम हमने देखा हुआ। अच्छा और क्या होता था? बट टफ कंपटीशन होगा सर, वेरी टफ कंपटीशन, हमें तो पास नहीं को खड़ा होने देता था। मैं 3-3 घंटे टीवी स्टेशन के बाहर जून जुलाई के गर्मी में, मेरा पसीना यहाँ से, कोई शेड नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ इस इंतजार में थे कि प्रोड्यूसर जैसे ही टीवी स्टेशन के अंदर जाएंगे तो हम विंडो पे उनको कहें यार हमारी पर्ची में नाम है, तो वो आ गए यावर साहब या ठाकुर साहब, तो प्लीज़ हमें पर्ची बना दो अंदर जाने के लिए। पीटीवी के हमने बड़ा खौफनाक दौर देखा हुआ है, और बड़ा बड़ा हमें वो, ये तो मैं सायरा काजमी जी को दुआ देता हूँ कि वो आई और उन्होंने मुझे पिक किया, मैं लाउंज में कर रहा था, वरना तो काम कोई नहीं दे रहा था, एक साल धक्के खाते रहे पीटीवी के, कोई काम नहीं था। उन्होंने फिर मुझे पिक किया और मुझे और ड्रामे, एक वो था इशफाक अहमद साहब का, उसमें एक यंग क्रिकेटर का रोल था, तो फिर सायरा जी ने मुझसे वो करवाया। उसके बाद फिर एक सीरीज शुरू हुई थी तोता कहानी, उसमें मैंने किया था फर्स्ट टाइम कवि साहब मरहूम और खालदा रियासत मरहूम, नाम देखो ना, और मैं नया नया, तो वो मुझसे उन्होंने सायरा जी ने करवाया था एक कमाल गखड़वी का रोल, एक शायर, वो घड़ी साज होता है गखड़ मंडी में, तो वो शायर भी होता है साथ, तो वो फिर शहर आ जाता है, तो वो खालदा रियासत स्टूडेंट होती है शायद कवि साहब की, तो वो फिर दिखाया ये था बेसिकली कि जब वक्त के साथ मुझे फेम मिल गया, मैं बड़ा शायर बन गया, और कवि साहब जो थे सीनियर थे तो उनको कोई पूछता नहीं था, फिर ना वो सब मेरे मेरे पीछे वो सारा सिलसिला जो था शुरू हुआ, तो बड़े बड़े आला प्लेयर्स थे। और अब तो एक ही रोल है, पापा हैं, कभी गरीब होते हैं कभी अमीर, वेरिएशन ये है, वेरिएशन ही कि मेरा जंजालपुर भूल गई है तू, ओए मैं जावा तेरी, आए हाय 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 रीमा गाले को बड़ा करे डाली, इस तो छकेरा रोल होएगा, सबके जावा तेरी,
और मनु ना गुरु जेरे सन ना वो खलो नहीं देते मनु इलेक्शन मैं क्या आए गुरु मैं खलो हो सकती है क्यों नहीं खलो सकती गुरु मुर कहने अपना रीमा तू नहीं खलो सकती है ना अगर तू इलेक्शन नहीं खलो सकती मैं क्या गुरु जी मैं क्यों नहीं खलो सकती इलेक्शन मैं खलोवांगी मैं तुम क्या है कि तू नहीं खलो सकती गुरु जी ताडे सामने मैं 2 घंटे तो खलोती हाँ ना तो इलेक्शन नहीं खलो सकती ये वाकई जंजालपुरा की बात इस कंटेंट को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया बहुत सारे लोगों ने ड्रामे बनाए ऐसा नहीं बना कॉमेडी खत्म तो होने दो ऐसा नहीं फिर ड्रामा बना जो जंजालपुरा था और उसमें जितने सीनियर एक्टर्स ने एजाज ये फर्स्ट टाइम ख्वाजा सराफ की एक्टिंग की पीटीवी पे फर्स्ट टाइम ट्रेंड सेटिंग बहुत मशहूर हुआ और उसके बाद बड़ी कॉपीज बनी ऐसा नहीं बन सका ऐसे नहीं बन सका ओ वाओ रीमा सामने बाजी जी बढ़िया कोशिश की थी लेकिन नहीं बन सके रीमा मैं तुम्हारी फैन हो गई किस चक्कर में आवाज़ बदल लेना मैं थोड़ी मैं बढ़िया आवाज़ काट लेना अल्लाह तेरी खैर करे शहजादी है मैं ना ये बच्चे की आवाज भी निकाल लेता मैं बड़ी अच्छी आवाज भी निकालता हूँ और वो ना हमेशा खेलती होती थी वहाँ पे ये जो नादी है ना ये छोटी होती थी ना हमेशा गली में खेलती होती थी इसको ना हम बड़ा कुट चाटते होते थे अभी गर्ल लेडीज लेडीज का ऐसा अभी कुछ नहीं वरदान आ चीज है सारी ब्यूटीफुल देखिए कितने मजे के कैरेक्टर्स बन सकते हैं हमारे पास और ये स्टेज किया हुआ है ना इन्होंने इसलिए अमेजिंग स्टेज का एक अलग ही एक्सपीरियंस स्टेज का बहुत सीखते हैं मेरे ख्याल में जो भी स्टेज आप में जो कॉन्फिडेंस आता है जो आपकी ऑडियो का ऑडियो आपका हमें ले जाना 3 महीने हम भी थिएटर जाएं कुछ जरा इंप्रूव करें स्टेज करना वैसे हमने हम है ना तो बड़ा शौक है कि स्टेज सबसे बड़ी असल बात ये है कि टाइमिंग जो है ना आपकी वो बहुत जुगत की भी ना एक टाइमिंग है अगर वो चंद सेकंड आगे पीछे हो जाए ना आपको लाफ्टर नहीं आएगा बिल्कुल ऐसे इसी तरह नसर में भी हमारे यहाँ बच्चे समझते नहीं है नसर में डायलॉग डिलीवरी की एक टाइमिंग है आप क्यों बड़े बड़े एक्टर्स जो है हम सुन रहे होते हैं देख रहे होते हैं फिल्म में या टीवी पे और हम उनकी रो रहे होते हैं हमें पता ही कि ये झूठ बोल रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं उसके बावजूद हम रो रहे होते हैं तो वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो हमारे दिल बिलीवेबल लगता है वेरी वेरी ट्रू अच्छा महमूद साहब आप माशाल्लाह इतने वर्सटाइल एक्टर हैं इतना आपने हर तरह का काम किया आपको क्या लगता है कि आपकी लेवल पर कुछ पिछले आपके जूनियर्स में से कौन ऐसा एक्टर होगा जो उस जगह पर उस आप देखते हैं कि वो आपके जैसा होगा या आप उस लेवल पर काम कर सकते देखें क्योंकि आप फिल्में भी करते हैं बड़े आपके साथ एक्टर्स जो कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं वो काम करते हैं आप उसमें नजर आते हैं देखें माशाल्लाह एक्टर तो बहुत अच्छे हैं हमारे बच्चे जो कुछ आ रहे हैं वो डिवोटेड हैं बहुत देखिए जो भी बंदा एजाज इसके लिए जब तक अपने काम से डिवोटेड नहीं होगा ये जुनूनी लोगों का काम है मतलब कि आप देखें ना मुझे 42-43 साल हो गए और मैं अभी भी अपना स्क्रिप्ट उसी तरह लाइंस मैं देखता हूँ मैं अपना करेक्टर बनाता हूँ मैं डिस्कस करता हूँ मैं ऑफिस चला जाता हूँ मैं गेटअप के लिए जाके टाइम देता हूँ मतलब इसमें मैं कोई चार्ज नहीं करता तो वो कहता और मैं रिहर्स उनके साथ कोशिश करता हूँ कि करूँ मैं अब बहुत कम लोग ऐसे हैं बच्चे जिनमें ये चीज़ है लेकिन है टैलेंटेड अगर महमूद असलम की लाइफ पे एक फिल्म बने तो वो कौन कैरेक्टर प्ले करेगा आपके ख्याल में बेस्ट कौन सा एक्टर ये आई नीड अ नेम वन नेम फैसल कुरैशी शायद करे मेरा अगर करेक्टर आप करवाए वो बेहतर करे ऐसा लार करेक्टर कर मैसेज कर दो उसको खुश हो जाएगा लाइव देखेगा अभी तक खाला की बेटी से शादी करने के मकसद से आगे जा ही नहीं रहे उनको मिल ही नहीं रहे ऐसे ड्रामे के बिल्कुल सही फैसल ने बहुत अच्छा काम उसका नजर आया बाकी का अगर टैलेंट भी है उसके ना वो मैंने देखा है उसमें वो जुनून
और वो बाकी इंशाल्लाह ट्रेंड हो जाएंगे। देखें इट विल टेक सम टाइम, ये एक दिन में तो कोई नहीं बन जाता ना, तो इसमें टाइम लगेगा लेकिन आएंगे इंशाल्लाह। हमारी मट्टी बड़ी जरखेज है, बहुत 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 अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं अभी जो कि आगे जाहिर है टाइम के साथ एक्सपीरियंस। सबसे प्यारी बात तो ये महमूद सर की अब वो वक्त आ गया है कि फैमिलीज फख्र समझती है अगर उनके बच्चे एक्टर्स हैं। ये अल्लाह का शुक्र है, हमने तो वो टाइम भी देखा है कि जब कितना जलील होते थे, बरासी वाले काम थे, बिल्कुल एक्टिंग कर रही है बच्ची, इसकी शादी नहीं होगी, क्या कर रहे हैं कर्नल साहब, शादी नहीं होगी, बस एक यही इस पे खौफ डर से आप बच्ची को रोक दो और एक्टर है हाय 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 तो रिश्ते तो नहीं आते होंगे। बिल्कुल सही कहा, तो उस टाइम से भी हम गुजरे हैं और अब माशाल्लाह एक्चुअली इट्स अ करियर और हमारी फैमिलीज बड़ा सपोर्ट करती हैं बच्चियों को और बच्चों को कि नहीं इस प्रोफेशन में इज्जत भी है, ग्रोथ भी है, पैसा भी है, गो फॉर इट। और यहाँ ब्रेक भी लेते हैं, अमेरिका वी शुड गो फॉर अ ब्रेक आल्सो। तो अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम उस तरफ होंगे किचन काउंटर में, नादिया आपके साथ एक छोटा सा एक्ट करेंगी, हम उसके बाद अगले स्टूडियो में होंगे, देखेंगे वहाँ क्या रमजान में हो रहा है, वहाँ कोई और शो चल रहा है, वहाँ चलें, वहाँ ऐसा रख देंगे, चले आइए, चले जी दूसरे स्टूडियो चले गए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आपको ग्रीन की दुनिया में खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ हैं महमूद असलम और एजाज असलम। महमूद साहब असलम, मिस्टर मोदी, हाँ असलम पावर, एक्चुअली होल्ड ऑन, मेरा जो नाम है ना असल में नादिया असलम खान है, असलम इस वो तो मेरा तखल्लुस है, बाद में खान आ गया असलम, लेकिन ये कि स्कूल के जो मेरी फ्रेंड्स हैं मुझे जानती है नादिया असलम, कितना अच्छा होता आतिफ असलम भी होते साथ हैं, कंप्लीट हो जाता जी। तो ये खाने का सेगमेंट है, इफ्तारी की हम तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची, अभी 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 रुकी नजर, क्योंकि रमजान में आपने बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाई है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको एग क्रीमी मसाला बनाना सिखाती हूँ, जो कि आप अंडे का सालन नॉर्मली बनाते हैं ना तो घर वाले मुंह बिगाड़ते हैं, ये अंडे का सालन मैंने नहीं खाना, तो हम थोड़ा सा अच्छा करके उसको आपको थोड़ा सा स्टाइलिश सा थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल करके बताते हैं, बहुत ही आसान है इसको बनाना। अंडा ना खाना चाहे तो नहीं, अंडा तो ये तो फिर ना खाना चाहे तो आलू डाल, आलू के आलू बिल्कुल इसके अंदर ऐड कर लें, कोई भी वेजिटेबल आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म है ना, रोजे के इस टाइम पे रोजा लग रहा है और आप अभी तो खुशबू आनी शुरू होगी, मजे की बात, खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, लोग रोज प्याज भी बना लें, कुछ ब्लेंडर फिर निकला है, मैं कश्मीर ऑयल में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, एक मिनट चेक कर लूं, बहुत जरूरी है कि ऑयल सही हो, क्योंकि खाना तो बहाना है, ऑयल तो डालना है और ऑयल अच्छा डालना होना चाहिए, हाँ कश्मीर का ऑयल होना चाहिए। अच्छा अब इसके अंदर हम थोड़ा सा, बहुत अच्छी है, बहुत लाइट है, हाँ कलर देखो लाइट है, ये इसकी यही खास बात है, वो बाजार में जो बनते हैं ना जैसे पकौड़े वो 25 दफा यूज हुआ, और ऑयल अच्छा ना हो तो बहुत हैवीपन फील होता है इफ्तार के बाद, कुछ भी हम बनाते पता चल जाता है कि ऑयल सही है, क्वालिटी उसकी। अच्छा मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड करती जाऊंगी और इसको इतना ज्यादा भूनना नहीं है, जो कि नादिया कहती है कि भूनना पड़ता है ना, तो भूनो भूनो भूनो, तो ये उस रेसिपी के आगे ही नहीं जाती, आप आगे ही नहीं जाती ना, यही पर खत्म हो जाती है, आप बातें छोड़े जी, आप जल्दी से तो मेरे पास ये ऑयल हमारा गर्म हो जाए, महमूद साहब के साथ कुछ प्याज है ग्राइंड की हुई, मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, प्यूरी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, बस मैंने सारी चीजें मिक्स करनी है और हमारा ये बहुत जल्दी बन जाएगा खाना, ये ज्यादती है, लेमन जूस, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चूल्हा मैं इसका हल्का कर देती हूँ और उसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सफेद मिर्च पाउडर, फास्ट फॉरवर्ड होता है घर में ऐसे जल्दी खाना बन जाए, बाकी वो झटपट खाना बनाती आप घर में भी ऐसे ही बनाती हैं? मैं घर में भी ऐसे ही बनाती हूँ, और ये है चाट मसाला, मुझे टाइम नहीं लगता, पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि खाना बनाने में पूरा दिन निकल जाता है, मेरी समझ में आज तक बात नहीं है। नहीं तो घर जो खाना बनाती है वो अपने लिए बनाती है या अपने सबके लिए, जो जो घर में है सबके लिए, के लिए आप खाना चार डिशेस कितनी देर में बना लेंगी? 20 लोगों के लिए मैंने बनाई थी, 20 नहीं बनाया, 20 लोगों के लिए चार डिशेस नहीं थी, वो 7 से 8 थी और मुझे हार्डली 3 घंटे लगे थे, ज्यादा टाइम नहीं लगा था, मैंने बना लिया था, बड़ी बात, और 20 से 25 लोग थे, बड़ी बात। तो इसको हमने अच्छा सा भून लेना है
अच्छा देखिए, आपके साथ सारी चीजें तैयार हो ना तो फिर आपको खाना बनाने में आपको टाइम नहीं लगता है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, वो खाना एक जगह होता है, चॉपिंग कटिंग में अपना टाइम बर्बाद करके रख देते हैं। आपको जितना चॉपिंग कटिंग चाहिए उतनी वेजिटेबल्स को आप कट करें, इतनी ज्यादा ना करें तो अपना टाइम ना जाया करें। ये टेक्निकल पॉइंट। हाँ, आलू फ्रिज में रख दिए, फ्रीजर में रख दिए, जी जी, हर चीज फ्रीज, ऐसा ना करें, करें। ऐसा ना करें, खासतौर पे आलू खराब, बिल्कुल खराब हो जाते हैं, खाना दोबारा गर्म करके भी कहते हैं नहीं खाना। हाँ, आपको पता है हमारे बचपन में, आप करती जाए चमचा फेंटती जाए, हमारी तरफ ना देखे आप, बचपन में क्या होता था कि फ्रिज वगैरह तो तब नहीं होते थे ना, तो वो जाली की पंजीरियां होती थी, अलमारी टाइप होती थी, नेमत खाना, उसमें नेमत खाना जिसको बोलते हैं, उसमें रखी जाती थी चीजें। और आपको पता है कि हर चीज डेली फ्रेश आती थी, गोश्त फ्रेश आता था, सब्जियां फ्रेश आती थी, सवाए चावल और आटा और घी जो था ये घर, और मिर्च मसाले जो होते थे, बाकी ये सब्जियां वब्जियां गोश्त कीमा ये सब फ्रेश आता था, उसी वक्त वो तैयार होती थी। बड़ी आदत, थोड़ा बहुत बचता था तो वो नेमत खाने में रख दे और रात में या अगले दिन इस्तेमाल कर, रखना नहीं, कुछ नहीं, स्टोर नहीं करते थे। तो आप सेहतें भी तो देखे ना उस जमाने में, आपको पता ही है, वैसे तो हमारे लिए नुकसान दे ना, लेकिन महमूद साहब उस वक्त मुर्गियां भी तो कोई इंजेक्शन नहीं लगे हुए, कुछ नहीं, हर चीज खालिस होती है। अब लोग वापस उस तरफ आ रहे हैं, खालिस घी, देसी शक्कर, ये वापस सब, मतलब मुर्गी उसमें एक ट्रीट होती थी, आजकल एक नॉर्मल हो गया, मतलब एक एक चार चार मुर्गियां खा जाता है, पांच पांच, हमारे ऐसे नहीं होता था पहले, पहले होता था टांग इसको देनी है, गिने हुए पीस बनते थे, सबसे बड़ा होता था घर में टांग उसको, एक्चुअली वो बच्चा जो कमाऊ पुत्र होता था वो माँ उसका ख्याल रखती थी, रहने दे बड़े भरा रे की हो गया, रहने दे लाते थी मोटी तू नहीं रहनी, और लड़कियों को तो टांग मिलती नहीं थी बेचारी, नहीं नहीं कुड़ियां लता नहीं खांदियां, पीछे हो जा पा के दो बोटी भरा नु, बड़े भरा नहीं रखो, उन्हें आया थका आया, और माँ गर्दन खाती, माँ के लिए आती थी ना गर्दन आती, वो दोस्त वादा टाइम, अब तो माशाल्लाह चिकन बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है, बहुत ज्यादा। अच्छा नादिया, बातों ही बातों में हमारा जो खाना है वो तैयार हो चुका है, वो बन चुका है, बस अब मैं इसे डिश आउट करूंगी, जब तक भाई ये आप इसको डिश आउट करती हैं, किरदार से मैं आपको मिलाती हूँ, ये साहब जो है इनकी बेटी को इश्क हो गया और वो उस लड़के से उनको मिलवाना चाह रही है, तो सारे खानदान का क्या रिएक्शन होगा, आइए किरदार। आइए आइए मेहमान इस्लाम। पुत्र ये क्या कर रही है तूने, और ये खाना भी बना, हर जगह पीछे खाना भी बने, मैं बर्ची हूँ बर्ची। लो जी बर्ची की ये ती जो है ना जी, इसको मैंने पढ़ा लिखा के ना मॉडल बना दिया, मैंने अंग्रेजी मीडियम में इसको तरजीब दिलवाई है जी, जी। अब ये मुझे डैड मम्मी पापा चाचा चाचा चूचा नहीं कहती, हाँ। अंकल ये करती है। अच्छा भाई, आप पिपिनो, मैं अपनी मॉडर्न बेटी का नाम मुबशरा रखूं? वो तू जो मर्जी रख ले, यूसरा रख ले, मुबशरा रख ले, मुबशरा होती तो कहती डैड, तो मैं पिनो हूँ डैड। हाँ। मैंने सोचा है कि मैं हाँ। शादी कर रही हूँ, और एंड दिस इज द बॉय शकूर। और तेरा हेलो डैड, हाउ आर यू, और तेरा भला हो जाए। लो ये कयामत की निशानी है, वो कहते थे ना कि बच्चियां जो है वो अपने मुंह से अपने शोहर की डिमांड करेंगी, लो जी वो टाइम आ गया। और क्या नाम बताया इसका तूने मुझे, शकूर, शकूर। और जिस yeah. लड़के का नाम ही शकूर है, और एक कट्टा तूने उसके साथ ब्याह करनी, व्हाट इज कट्टा, I don't know, Dad, I love him. और डैड की चाची ठहर जाओ, दी उंगलां दे वेख पहले हल्ला। What? वो ये तो शिकंजे वाली उंगलियां हैं ये। नहीं भाई नहीं। What is this? मैंने अपनी इतनी प्यारी सी बेटी का रिश्ता जो है ना किसी ऐसे शिकंजे वाले बच्चे को नहीं देना भाई। Dad ऐसे ना करें, आप ऐसे करें, मम्मी से पूछें, मामू से पूछें, छोटे भाई से पूछें, ऐसे नहीं होगा। पूरे खानदान से पूछ ले, करना तो वही है जो मैंने करना है। नहीं मम्मी से पूछे, मम्मी तू क्यों शादी के पीछे भी पड़ गई है, अभी तू उम्र देख अपनी ईमान से। नहीं मैं नहीं मानती मम्मी, मम्मी भाई अभी तो मैंने तुझे पढ़ाना लिखाना है, क्या हो गया मॉम, मॉम क्या बात बेटा, क्यों शोर मचाया तुमने है? मॉम डैड मेरी बात नहीं मान रहे, आई वांट टू मैरी दिस बॉय, ही इज सेइंग नो। इसका मुझे जरा तर्जुमा करके बता ना पहले। मैं नहीं कहा उनको, मैं शकूर से शादी करूंगी। यस साहिब शकूर, मुझे नहीं पता, तुम अपनी पुआ से पूछो जाके, मैं इस मसले में पढ़ सकता हूँ। शादी करना चाह रही हूँ, और मॉम डैड नहीं समझ रहे, मान नहीं रहे, किधर ना ले भैया करना चाह रही है तो। हेलो
Pupo. Pupo. Shakur. Shakur. इसके साथ कर ले, इसको देख ना, मुझे मुझे करंट साल लगा है, अब कर ले, ये करेगा, मैं जा रही हूँ, मेरा टाइम हो गया। I love my Pupo. Okay, my Pupo, thank you. So are we getting married? Oh yes. Oh, that's Pupo cool. Said that's yes. Cool. Okay. Pupo is so cool. और हमारे लिए क्या बात है? ये क्या आपने बना लिया इतनी जल्दी? अब तुम ठीक हो गए? ठीक भी हो गए एकदम? तो ठीक है ना, मैं इस साइड पे आ गया हूँ। जबरदस्त, क्या बात है महमूद साहब, बस अफ्तारी की हमारी डिश तैयार है। अगर रोजा नहीं, वाह वाह वाह, नहीं अफ्तारी तक आप रुकेंगे हमारे साथ, अफ्तार करके जाएंगे। अच्छी बात है जी, बिल्कुल मैं बैठा हूँ इधर आराम। अच्छा, लोग इंतजार करते हैं सेगमेंट का, कमेंट्स में था कि कुकिंग वाला सेगमेंट, और खास तौर पे आपका गेस्ट का परफॉर्म करना हमें बड़ा अच्छा लगता है। दिस इज आई थिंक बाय फार द बेस्ट। हां, दिस वाज। लो जी, अब देखते हैं शकूर क्या करने लगे। शकूर इज गॉट टू मेक सम स्मूदी। हाथ तो धो लो पहले, बोला मैंने उसको हाथ तो। शकुर हाथ धोएगा। साबुन। वैसे तो तू ये पार्टी धोने वाला जो है ना, लिक्विड, इससे भी हाथ धो सकता है। हाथ बड़े हैं कुछ, वो ये तो पूरी पूरी बोतल खाली हो जानी। ये अक्सर होता है महमूद साहब। अच्छा, ये खाली हो जाता है पानी का टैंक जो लगा हुआ है नीचे। देखो जी, टेबल पे जो हमारी अफ्तारी की टेबल होती है उस पे तो जी लाल वाला शरबत है हमारे पास। ये रहा, जावेश्री की बात कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल है यही हमारे पास है। अच्छा, उसके बाद वो हो अपना पकौड़े गर्मा गर्म, वो ये भी मंगवाएगी इफ्तारी पे। पकौड़े उसके बना लेंगे, सैबरोसो के हमारे पास है। पकौड़े बना, आई लव पकौड़े, बना लेंगे कोई मसला। ये ये और खजूरें और समोसे, दही बड़े। अरे दही बड़े चाट वो तो लाजमी चीज है, लेकिन ये बेसिक मैं बताऊं, तीन चीज के बगैर इफ्तार नहीं है, टेबल की रौनक नहीं है। आप यकीन करें सर, मैं इतना अकेला फील कर रही थी, इतने ये फिटनेस वाले जो फ्रीक्स लोग शो पे आए हैं, मुझे कॉम्प्लेक्स में डाल दिया कि आई एम नॉट हेल्दी पर्सन। किसने कहा है? बहुत से लोग। अरे लोगों की बातों में ना जाए, किसी ने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा आज तक। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, समोसों में क्या बुराई है? दही बड़े से कौन कभी मोटा हुआ है? मैंने कब कहा? कौनों से कभी किसी को तकलीफ हुई है? गैस हो सकती है और तो कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं जिस पे अमल करता हूं, मेरे नाना कहा करते थे कि संगो लथा जा लूना जा मठा। मीनिंग ये है कि संग कहते हैं गले को। आपका सारा टेस्ट जो है ना जुबान तक है, टेस्ट बट वही होते हैं ना, यहाँ से जब नीचे उतरता है ना तो मेदे को नहीं पता चलता आपने नमकीन खाया कि मीठा खाया। मेरी बात समझ आई है? संगो लथा नीचे गया जा लूना जा मठा। तो जो है इसमें संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, वो भी यही गला है। देखिए अपने ऊपर जबर ना करें, वेरी गुड। आप ना वो मेरे सबर करें बस, एक चम्मच खा ले अगर आप गाजर का ऐसा ऐसा ही। मैं अच्छा मैं बनाता हूँ भाई स्मूदी। ये देखें इसमें एप्पल और एप्पल कह रहा हूँ, बनाना डाल। एप्पल है रोजाना के ये एप्पल है, रोजा लग रहा है नादिया। ये पपीता है नहीं, ये गाजर है भाई। नहीं पपीता है। अच्छा बना क्या रहे हो? ये कैरेट स्मूदी, कैरेट एंड इसमें आमंड बटर डलता है, लेकिन हम पीनट बटर भी। जो भी चीज बनाते हैं ना उसका नाम सुन के अच्छा नहीं लगता, दिल नहीं जा। अगर आप साइड से डालेंगे तो लोगों को भी नजर आ जाएगा कि आप क्या डाल। वो अलग वो पीछे अनारकली कैमरा लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मैं माफी चाहता हूं। इसके बाद हमने कैमरे का नाम रख दिया अनारकली। दीवारों में चुनी हुई ओट्स डाले इसमें, यानी कि इंस्टेंट ओट्स दलिया, वो जो आता है ना पोरेज इसको कहते हैं। मेरे घर में दो डब्बे ओट्स के आए हैं, कोई नहीं खा रहा, अब मैं रमजान में खिला दूंगी सबको। इतनी रेसिपीज बता दी सारी में ऐसी, क्योंकि ओट्स जो है ना वो आपको स्लो एनर्जी देते हैं पूरा दिन, तो आप अगर सहरी में खा लेते हैं या पी लेते हैं ऐसी चीज तो आप पूरा दिन आपको एनर्जी मिलती रहती है स्लो स्लो। इसको कहते हैं स्लो बर्न, स्लो बर्न। और ये इसमें मैंने याद रखा है, थोड़ा अखरोट डाला, बहुत नंबर बनेंगे, बहुत थोड़ा अखरोट डाला। और ये है सिनेमन पाउडर, यानी के दालचीनी का पाउडर। खुशबू ये हाँ, इसको आपका जायका ऐसा आएगा जैसे आप चीज केक जो वो अपना कैरेट चीज केक खा रहे हैं। आमंड बटर, ये शहद है, या मेपल सिरप आप डाल दें थोड़ा सा। वैसे तो केला जो होता है ना
वो मिठास उससे आ जाती है। तो आप रोजे में ही ना खाना बनते हुए घूरने लग जाते हैं चीजों को। अब इसमें देखता है एक इंग्रेडिएंट है आमंड बटर या पीनट बटर, टिश्यू भी इसमें डालना है हमें? नहीं, इसमें डाल टिश्यू कड़क हो जी। और ये है लो फैट मिल्क, ये आपने डाल दिया, क्रंची देगा ना टेस्ट के लिए। वैसे मैं घर में बनाता हूँ तो मैं आमंड मिल्क डालता हूँ। टिश्यू को फ्राई नहीं, आमंड मिल्क बादाम का, टिश्यू को फ्राई भी कर सकते ये तुम कर सकती हो सब, मैं कोई मतलब ऐसी बात है नहीं जो इम्पॉसिबल हो ना दिया जो तुम सामने क्यों दिया हमने पकड़ लिया क्यों। चलो अब चल पड़ा। कॉमेडी करने वाले लोग होते ना ये किनकी अलग टाइमिंग होती है सर, आपको तो पता है चुप नहीं रह सकते। मैं तो रह ही नहीं सकती, कोई सिचुएशन कोई बात हुई ना मुझे कहना पड़ता, और रहना भी नहीं चाहिए। ओए होली ऐसी घर में करने है यार, नहीं सुनेगा यार तू, और तेज आया। अरे वो बात कर रही थी बड़ी, हेलो आवाज आ रही है? ओह व्हाट इज ही सेइंग बुड्ढा भाई, लगता मुझे मेहमान साहब हो गया। अच्छा दूसरा ग्लास अगर पूरा ना हो तो पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल डाल सकते हैं, डालते तो हैं। हो गया भाई ये तो, ओह बड़ा अंदाज है, करते रहते ना ये काम। ये शुकूर का अंदाजा अच्छा है, कर ले। शुकूर इज वेरी गुड। देखिए आप कैसा इक्वल, माशाल्लाह कैसे कैसे बाकी लगता है ये प्रोफेशनल आप जूस में करें। अच्छा ये नमक है? नहीं ये खोपरा है। अच्छा खोपरा, खोपरा ये खोपरा डाला हमने इस पे, ये थोड़ी सी हमने गार्निशिंग कर दी इसकी। हाय 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 हाय। इसके बाद ये खुद सेल्फीयां बनाते हैं अपने ड्रिंक के साथ, आधा घंटा हम सब चले जाते हैं। ये इजाज इसको क्या कहते हैं? स्मूदी बनाते हैं पता नहीं क्यों। नहीं इसको क्या कहते हैं? गार्निशिंग जो कर जी, गार्निशिंग ऐसे नहीं, गार्निश। ओह ओके गार्निश, नहीं आप बोले वैसे गार्निश। ऐसा लग रहा है किसी लड़की का नाम है। गार्निश कम हियर गार्निश। ओके स्लो क्या ही, स्लो बर्न। अच्छा स्लो बर्न है, आहिस्ता जलो। अच्छा आराम से जलो। ओके हल्की आंच पे जलो, स्लो तो जनाब ये है कैरेट एंड आमंड बटर स्मूदी। इसका टेस्ट जो है ना वो कैरेट केक जैसा होता है। बहुत सस्ती गार्निशिंग तुमने डेकोरेशन ऊपर की है, गाजर लगा। तो मेरे पास जो है मैंने इसमें डाला ओटमील यानी कि दलिया जो होता है, और गाजरें इसमें डली, ये इसको क्रश करके रखा हुआ था गाजरों को, थोड़ा सा मेपल सिरप डाला, सिनेमन यानी कि दारचीनी का पाउडर, थोड़े से नट्स, इसमें आप अपने फेवरेट नट्स डाल सकते हैं, वो भी मैं क्रश करके रखे हैं वो डालें, आमंड बटर या बादाम का जो बटर होता है वो, या फिर पीनट बटर वो आप इसमें एक कप में एक टेबल स्पून डाल सकते हैं, और उसमें फिर आमंड मिल्क डाल सकते हैं। अगर आमंड मिल्क नहीं है तो आप लो फैट मिल्क कोई भी डाल लें और मिक्स कर लें सब चीज़ों को। ज़बरदस्त आपकी, अगर ये आप सहरी में भी पी सकते हैं और इफ्तारी में। और ऐसे ग्लास को जब सिलेक्ट करें केयरफुल रहें, क्योंकि आप गेस्ट को ग्लास देते हैं ना तो जो वो पीते हैं उनकी नाक पर लग जाए, नाक अंदर आ जाती है ग्लास में, तो प्लीज जब भी ग्लास खरीदें तो आप ऐसे टेस्ट करें उसको दुकान। मुझे याद है तुम्हारा एक शो होता था जिसमें इतना बड़ा कप होता। हाँ बिल्कुल सही, तो वो उसमें वो ठीक था, उसमें नाक डाइव करके चाय पीनी होगी ऊपर खड़े हुए अंदर। अभी आप गेस्ट ने उसके ऊपर बोला, जुबैदा ने हमें तरीका बताया कि कैसे नाक पसरी, नाक पसरी ये हां नाक पे लग जाता है। मैंने यहाँ पर एग क्रीमी मसाला बनाया है जो कि तैयार है यहाँ पर, बहुत ही आसान है इसको बनाना। सबसे पहले मैंने कश्मीर ऑयल यूज़ किया था 2 टेबल स्पून, उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था टमाटर की प्यूरी, और इसके साथ मैंने सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, चाट मसाला और ज़ीरा पाउडर, नमक, ये मैंने इसके अंदर ऐड करके थोड़ा सा मैंने मसाले को भून लिया ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज जो पीसी हुई प्याज थी ग्राइंड अच्छे से कर दी थी, एक अदद प्याज को वो मैंने इसके अंदर डाल दिया ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। उसके बाद वो थोड़ा सा बनाने के बाद ऑयल ऊपर आ जाता है, उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था फ्रेश क्रीम, फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद थोड़ी देर पकाना है आपने, ज़्यादा देर नहीं पकाना। उसके बाद जो अंडे बॉयल किए हुए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, और बस मैंने एक मिनट तक पकाया। उसके बाद मैंने डिश आउट किया, डिश आउट के वक्त मैंने इसके अंदर शामिल किया हरी मिर्चें,
फाइन चॉप की हुई हरा धनिया और ऊपर से मैंने काली मिर्ची और चाट मसाला, आप इसको एंजॉय करें। हो गया जी, बन गया। अब हम वहाँ चलते हैं, कच्चापन जो निकाला है ना, बड़ा मजा है। कच्चापन ना है, कच्चापन वहाँ चलते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये अजाज ही खाएंगे, मैं तो नहीं खाऊंगी तारी पे, क्योंकि देर ही है। अंडे हैं, मैं तो खाऊंगा अंडे। वेलकम बैक, लाइफ ग्रीन है। महमूद साहब, कैसी लगी हमारी इफ्तारी आपको? इस वक्त तो मुश्किल हो रहा है, हालात उस जगह पे पहुंच गए हैं। थोड़ी देर है और आपके साथ वक्त ऐसे गुजरा है पता ही नहीं चला। अच्छा जी, आप बड़ा मजा है। गेस्ट अच्छी हो ना तो रोजा भी नहीं लगता, वरना हेडेक हो जाता है कभी कभी। ये है वो टाइम, स्पेशली रोजा जब आपने रखा होता है तो ये टाइम डाउन हो रहा है, तो हमें भी एनर्जी चाहिए। तो आपको सर कैसा लगा दो भूतों के साथ? बड़ा मजा आया था, है ना? भूत सही है। अच्छा नहीं, अभी क्या पूछ रही है? ये भूत। भाई बड़ा मजा है मुझे तो भूतों के साथ, है ना? इतने प्यारे काम भी कर लेते हैं और इतने मजे के सवालात कर रहे भूत यार। एक सवाल और आपसे करो ना, करिए। आपको पावर मिल जाए ऐसी के बस एक दिन के लिए के आप कुछ भी करना चाहें कर सकते, क्या करेंगे? मैं आंखें खोलूंगा और कहूंगा है मैं कितने यार। तो क्या चीज चेंज कर देंगे? बहुत कुछ चेंज होने वाला है। एक चीज क्या? क्या जो आपको हमेशा बॉदर करती रही है जिंदगी में? मैं समझता हूँ कि अगर मुझे पावर मिले ना तो मैं अपनी कौम को सच बोलना सिखा दूँ। वाह, उसे एक दिन सच बोले, बस झूठ नहीं बोलना, सब सिस्टम ठीक हो जाएंगे। सारा सिस्टम ठीक है सर, बेस वही है। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसी बात सोचेंगे, ये शायद मैंने सुना होगा, शायद हमारे नबी पाक ने भी कहा कि पता नहीं 70 या 80 चीज़ें जो है वो बेस करती हैं झूठ पे। आप एक झूठ बोलना छोड़ दें, आपकी सारी चीजें ठीक हो। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि डेली आपके साथ कितने लोग झूठ बोलते हैं? आपने कितनी दफा पकड़ा आपको लगता है? मैं नहीं पता लगता कभी तो। देखिए, अब वो बोलते इतनी अच्छे तरीके से हैं कि आपको शायद ये भी बात है कि मैं खुद, क्योंकि मेरे बच्चों को यही सिखाया है कि बेटा सच बोलना है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी मैंने तीन चार चीजें ली हैं कुरान पाक से मैंने, कि एक तो सच बोलना है, एक आपने अपना अहद निभाना है, इसका बार बार जिक्र है, अपना अहद निभाओ। तीसरी चीज है अपना माप तोल, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें डंडी नहीं मारनी, वो कोई भी हो सकता है, ये नहीं है कि कोई तोल है आप। एक किसी का हक ना मारे आप। अच्छा, अब ये बेसिकली 3-4 चीजें हैं और ये कोई मुश्किल चीज नहीं। आपने बहुत अच्छा लफ्ज बोला, डंडी नहीं मारनी। अब ये नहीं लोग बोलते, मेरे घर में भी यही बोलते हैं, डंडी नहीं मारनी। हाँ ना, ये है माप तोल का जिक्र, पता है मतलब इसका, डंडी ना मारना, बेईमानी ना करना, बेईमानी ना करना बेसिकली। तो अगर आप ये 3-4 चीजें इस पे प्रैक्टिकली अगर अमल करें, हम पढ़ते जरूर है लेकिन हम पढ़ते भी हैं, हम समझते भी हैं लेकिन हम अमल नहीं करते। लेकिन अगर आप अमल, हम PhD करवाते हैं बेईमानी में, हम कहते हैं बेटे ऐसे नहीं, ऐसे झूठ बोलते हैं, ऐसे मक्कारी करते हैं, ऐसे जो लोग प्रैक्टिस करते हैं इन सब चीजों को, मैंने देखा वो बड़ा सुकून में रहते, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन। ये सर आप एक सच बोल दें, आपकी जिंदगी आसान है भजन। और अगर आपने स्ट्रेस उतर जाता नहीं तो आप देखें कैसे अजाब अल्लाह की, बेसिकली एजाज होता है कि अल्लाह की बरकत उठ जाती है। करेक्ट। तो अल्लाह ने आपको वो देना है, आपको रिस्क भी देना है, आपके लिए आसानियां भी करनी है, वो करेगा अल्लाह, लेकिन आपकी उन सब चीजों से, आपके झूठ बोलने से आप वो बरकत उठा लेगा। तो मुझे पता है, ये जो ये झूठ होता है कि मेरे पास कपड़े खत्म हो गए, मुझे कपड़े ले दें, मेरे पास कुछ पहनने को है ही नहीं, मैं शादी पे क्या पहनूं, कोई कपड़े देखे है ही नहीं, ये झूठ बहुत बुरा है। ये भी बात करती है, ये भी गलत है, ये सबसे। सर आप ये देखें, मैंने ये मियां से जब कब शॉपिंग करवानी है, बात मैं सुनाऊं या ना सुनाऊं, मैं ये सबसे बड़ा झूठ है सर। कितने गए यार, मैं तेरा इंतजार पे कर लगे भाई, यार मैं रस्ते जगह ट्रैफिक जाम हो ही है, आ गया इंशाल्लाह 5 मिनट आई, और आप घर बैठे होते हैं। मैं कराची वक्त निकलते हैं। यार बेटा लाहौर से कॉल आई है, कराची से ही कॉल आई है, और यार मुनीर बेटा मैं लाहौर है गया इस वक्त है। अच्छा मैं आना अगले हफ्ते, कराची आ रहा वापस, चलो बेटा फिर बैठ के गल करांगे। ये झूठ है। आप वो कहते हैं कि अगर आप बच्चे और वादा, अगर आप बच्चे के साथ वादा करके आए कि मैं टॉफी, ये बहुत छोटी चीज है कि बच्ची या बच्चे के साथ, अच्छा बेटा वापसी में टॉफी ले आऊंगा तुम्हारे लिए, आप कह के आ गए, आप रात को वापस गए उसके लिए, बच्चे के लिए टॉफी नहीं लेके गए, तो सर आपकी पकड़ है, अहद निभाना जिंदगी में। अच्छा ये एक छोटा सा वाक्य सुना दूं, टाइम है? हाँ हाँ। मेरी
देखिए हम जिंदगी में ये होता है कि छोटी गाड़ी या बड़ी चाहिए, छोटा घर है बड़ा चाहिए, लोग क्या कहेंगे, यार मैंने फलाने डिजाइनर का कपड़ा पहनना है, ये इतना पैसा चाहिए, बाहर जाना, ये 10,000 चीजें, और हम खूब से खूब तर की तलाश में होते हैं। मेरे साथ एक वाक्या पेश आया, मैं सुनाता हूँ सबको कि शायद किसी का भला हो जाए। ये कोई 10-12 साल पहले की बात है, मैं कराची एक शूट कर रहा था, तो उन्होंने ना गाड़ी नहीं थी उनके पास, तो उन्होंने मुझे हाईएस भेजी बड़ी वाली, तो मैं उसके पीछे ना अकेला बैठा हुआ मजे से मैं जा रहा था लोकेशन की तरफ, अल्लाह वाली चुरंगी के पास रेड लाइट पे वो मेरी गाड़ी रुकी, तो इधर से ना नॉक हुआ शीशे पे, पहले तो मैं डर गया, मैं मोबाइल गया, फिर देखा तो एक कोई 34-35 साल का एक सांवले से रंग का एक पतला सा एक लड़का था, और उसके साथ छोटा बच्चा था 12-13 साल का। इजाज उस लड़के की दोनों आंखें थी ही नहीं वहां पे, दो खुटे थे। मैं जब भी ये वाक्य सुनाता हूँ ना, मेरे वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जब मैंने उसको देखा, मैंने उसको जो निकाल के देना था वो दिया, मैं उस स्पॉट से लेके जहाँ मैंने पहुँचना था अपनी लोकेशन तक, मैं अपने रब से माफ़ी मांगता गया कि अल्लाह तूने मुझे ये सब कुछ दिया है कि मैं देख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मेरे हाथ पाँव सलामत हैं, मैं चल फिर सकता हूँ। इस ये जो नेमतें हैं अल्लाह ताला की, सर इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। मैं आपको बताऊं, हम अस्पताल में नहीं पड़े हुए, आप ये हम शूटिंग के लिए जाते हैं ना, दो दो साल से, चार चार साल से बेचारे बीमार पड़े हुए हैं, आप खा पी रहे हैं सब कुछ, आपको कोई डॉक्टर ने मुमानत नहीं की है, अरे इससे बड़ी नेमत क्या। और इस पे मतलब ये देखिए, और हमारे घरों में झगड़े किस पे हो रहे हैं, डिजाइनर बैग पे। हाँ ना, कि आपको कब से मैं कह रही हूँ एलवी का बैग लाके दें, आपने मुझे नहीं लाके दिया, मेरी डिजाइनर ग्लासेस, मेरे कपड़े, इस पे मियां बीवी में झगड़े, महीनों से बातचीत नहीं हो रही, तलाके हैं, हाँ ना, चीजों पे, वो आपने घर मेरे नाम नहीं किया, वो फ्लैट आपने मुझे नहीं दिया, आपने ये वादा वो वादा, इतने मटेरियलिस्टिक हम हो गए। आप 2 मिनट ये सोचिए, क्या बरकत रहनी है, जब आप सुबह उठती है तो ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है, उस वक्त हजारों की तादाद में लोग जो है वो दुनिया में मर गए होते हैं, रात उनको उठना नसीब नहीं होता, लेकिन आप उठते हैं, अल्लाह ने एक और दिन आपको दे दिया। तो ये बेसिकली ये चीजें ऐसी हैं कि हम इन्हीं का ही शुक्र अदा करें तो नहीं कर सकते। तो तब से ना मैंने वो अल्लाह से मांगना छोड़ दिया हुआ। इंशाल्लाह सर, आप प्लीज यूट्यूब चैनल बनाएं और मोटिवेशनल स्पीकर बने, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। नहीं, नहीं, मैं आपको सब्सक्राइब करूंगी। नहीं नहीं प्लीज सर, मैं इस तरह चैनल भी गोल्डन बनाएगी नादिया, बहुत अच्छा बोलते हैं और ये कि बोलते अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, आपकी बात ना हिट करती है। मैं सबके जाऊंगा, नहीं वैसे कहें हाय सबके जावा, तेरे जिंदी रहे तू जवानियां माने, आपकी जिंदगी आसान, बिल्कुल बेसिक्स है, और मैं से गलत प्रॉमिस नहीं करता, आपसे कमिटमेंट अगर कर लिया है मैंने, चाहे मेरा नुकसान है मैंने वो करना है, और अदरवाइज मैं बीवी बाजफा कहती है ना, आप इससे एक वादा करें ना, मेरा ये काम करेंगे, मैं कहता हूँ नहीं पहले आप मुझे बताएं काम क्या है, नहीं ना कर दो ना कि पहले वादा करो मेरा ये काम करो, मैं कहता हूँ नहीं पहले आप बताएं, क्योंकि अगर मैं वो नहीं पूरा कर सका तो मेरी वादा खिलाफी हो जाएगी। सर कुरान में इसका बड़ा जिक्र है वादा खिलाफी का, ना करें वादा खिलाफी, किसी का दिल ना तोड़े, अच्छे इखलाक से पेश आए। ये कितनी हम लोग ना दूसरी चीजों में बहस में पड़ जाते हैं, 1400 साल पहले क्या हुआ या 600 साल पहले क्या हुआ या हमें ये नहीं तो वो नहीं, कुछ ना करें। 4 साल पहले मेरी मम्मी बीमार थी, आप पूछने नहीं गए थे, आपने हाल नहीं पूछा था, बस उसी पे झगड़े चल रहे हैं, तो उसको ये करना चाहिए था, फलाने को ये करना, मियां बीवी में रंजिश है, हम अब वो वक्त लौट के नहीं आ सकते, और हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है कुछ करने का, हमने सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करना है और हमने अपनी चीजों को ठीक करना है। तो वो जो एक दिन की आप कह रहे हैं ना, वो सच से रिलेटेड है। और मैं सब एंड में आपके लिए भी दुआ करूंगी कि अल्लाह आपको सेहत जिंदगी दे और हम आपको बहुत बेहतर रोल्स में देखें, और आपके जो बच्चे हों वो आपके बच्चों की एज के हों, और आप बड़े बड़े हीरो हीरोइंस के पापा ना बने। आमीन। फुल पोटेंशियल देखें आपका, किसी ऐसा कोई क्या फिल्म हीरोइन का भाई बन जाओ, क्योंकि भाई नहीं होते नहीं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस, आपका कैरेक्टर हो, क्योंकि यू आर सो गुड एंड वी मिस दैट। हम सिर्फ महमूद असलम को नहीं, उनको उनके एलिमेंट में देखना चाह रहे हैं, यू नो एट हिज बेस्ट परफॉर्मिंग। हमें प्लीज छोटे छोटे लड़के लड़कियों आ रहा है, कोई आ रहा है, आ रहे हैं इंशाल्लाह, 2-3 आ रहे हैं। वाकई हां, मैं ये ड्रामे हैं या फिल्में, सीरियल्स, बच्चों की शादियां नहीं, उसमें बच्चे नहीं,
वो तो चलता है ना साथ में, मैं अपने करेक्टर्स की बात, करेक्टर अच्छे आ रहे हैं। चलें वो भी ठीक है, हम बर्दाश्त कर लेंगे उनको आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो अब हम इजाजत लेंगे, कल आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। मैं और नादिया, लाइफ ग्रीन है, ग्रीन है, रमजान मुबारक।